नमस्कार दोस्तों, आज बीएड फर्स्ट पेपर के अंतर्गत देखेंगे मानवतावाद का अर्थ एवं परिभाषा। मानवतावाद शब्द का प्रादुर्भाव आंग्ल भाषा के ह्यूमनिज्म शब्द से हुआ है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन के होमो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मानव। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो मानवतावाद से अभिप्राय उस दर्शन से है जिसमें मानव को जो है केंद्रीय स्थान मिला हुआ है। मानव के कल्याणों पर बल दिया जाता है, मानव की उन्नति ही इसमें जो है सर्वोपरि होता है। अर्थात मानवतावाद मनुष्यवाद को समुन्नत करने वाला आंदोलन चिंतन का केंद्र मनुष्य है। मानवतावाद का अर्थ मानवीय विचारों से होता है। मानवतावाद एक आंदोलन हुआ जो कि बढ़ते औद्योगिकरण और मशीनीकृत समाज में मनुष्य की घटती गरिमा के फलस्वरूप विशेष रूप से यह उभरा। मनुष्य के सम्मान एवं आदर में जो है आस्था रखना, मानव की रुचि आवश्यकताएं, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन में जो है उचित समायोजन प्राप्त हो, इसके लिए मानवतावाद का विकास हुआ। मानवतावाद के अनुसार मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का जो है निर्माता होता है। अब मानवतावाद की परिभाषा को देखेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उसे देखेंगे। मैसले के अनुसार मानवतावाद एकदम नई तथा क्रांतिकारी विचारधारा है जो सभी क्षेत्रों में नई मान्यताएं विकसित कर रही है। ब्रूबेकर के अनुसार मानवतावाद मानव स्वभाव एवं मानवीय दृष्टिकोण पर जो है यह बल देता है कि मानव का स्वभाव किस प्रकार का है और उसका दृष्टिकोण कैसा है। एच जी गुड ने बताया कि मानवतावाद मानव की महान उपलब्धियां एवं विचारों का जो है यह अध्ययन करता है। मानव ने अपने जिंदगी में क्या अर्जित किया और उसका विचार किस प्रकार से है, इसी का यह अध्ययन करता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानवतावाद मनुष्य के विकास के समस्त अवयवों का जो है अंतिम लक्ष्य होता है। मानवतावाद का जो है परिभाषा देखें, मैसले का, ब्रूवेकर का, एच डी गुड का और भारतीय दार्शनिक में स्वामी विवेकानंद जी का। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने से आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मिल जाएगा।